पार्टी एडेड। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैंडल एंड सिम का सेटअप, और देख सकते हैं एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, और इसके साथ ग्रीनरी के साथ जो पेस्टल शेड का आ रहा है अभी, जो आउटलुक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। होपफुली ये आप देखना बहुत अच्छा सेटअप होने वाला है। बस नहीं कर, ये बन रहा हमारा बैकड्रॉप। ये बैकड्रॉप हम यूज़ करेंगे फोटो बूथ के लिए, और इसमें क्लॉथ के रिबन लगे हुए हैं कलरफुल, और नीचे फ्लैक्स है वो भी मल्टी कलर्ड है, प्रिंट है इस पर। और इसके बाद हम ये बलून देख रहे हैं आप, पेस्टल शेड में बलून का राउंड शेप में इसको लगा रहे हैं। बलून का एक आपने ध्यान रखना है, ये लाइट शेड पेस्टल शेड है, इसके पीछे जो रिबन है वो डार्क होना चाहिए थोड़ा, तभी इसका कंट्रास्ट बनेगा। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं का काम हो रहा है, सुबह का टाइम है तो हम पेपर वगैरह जो टीम है वो सारे ओपन कर रहे हैं, सारी जो एक्सेसरीज हैं जो प्रॉप्स हैं वो हम ओपन कर रहे हैं। ये कुछ पेपर प्रिंट्स हैं जो खुद ही कंप्यूटर से निकाल रहे हैं, उसको हैंग करने का प्रोसेस चल रहा है अभी। इसको हम सारे ट्रीज के साथ प्लांट्स के साथ हैंग करेंगे, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट, डबल साइड प्रिंट होना मेरे मशीन में हो नहीं रहा था तो सिंगल साइड करके इसको डबल टेप से डबल कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे ये सामने केक एरिया बन रहा है हमारा, वो सामने भी अभी टाइम लगेगा तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा क्या क्या हो रहा है। ये ट्री है जिसपे हम हैंग करने वाले हैं प्रॉप्स। अब हम जा रहे हैं केक एरिया की ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं केक टेबल जहां हमने लगाना है उसके नीचे हम वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं, वुडन फ्लोर करके उसके ऊपर फ्लेक्स लगा के इसके ऊपर ही हमारा केक टेबल आएगा वन की शेप में, अल्फाबेट की शेप में। अभी ये थोड़ा सा उसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका कलर आ रहा है। केक एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं आपको अब इसका पूरा फुल व्यू दिखाता हूँ, जो बहुत ही अच्छा निकल के आउटकम इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। सुबह की धूप इस पर बहुत ही अच्छी जच रही है, और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। तो यहाँ अंदर हम बलून्स का काम कर रहे हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं वैसे पेस्टल शेड ही हैं। ये ऑर्गेनिक शेप में बन रहा है। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर जहाँ हैंगिंग होनी है, तो आप देखो यहाँ स्टार्ट हुआ है हैंगिंग का वर्क, और अभी थोड़ा थोड़ा इसकी लुक भी आ रही है। तो इसमें हम केजेस, पेपर फ्लावर्स, पेपर पॉम पॉम और कैंडी शेप बलून्स भी हैंग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पेपर कटआउट्स हम हैंग कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा है, आगे बहुत अच्छा लुक होगा। ये है हमारा एंट्रेंस जहाँ पर हाफ में हम ऑर्गेनिक बलून का सेटअप कर रहे हैं और हाफ पे पेपर फैंस लगेंगे। दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी कुछ ऐसी बड़ी थीम पार्टी हो तो आपको जो अपने टीम प्रॉपर टीम लेके चलना है, 8 से 10 लड़के प्रॉपर अभी लगे हुए मेरी टीम के, जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग वर्क करें। जैसे ये पेपर कटिंग का वर्क हो रहा है, जैसे बलून के लिए मैंने आपको दिखाया, बलून के लिए अलग टीम लगी, अलग लड़के लगे हुए हैं, फिर फोटो बूथ पर अलग लगे हुए हैं, और केक एरिया पे अलग 2-3 लोग लगाए हुए हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेटअप रेडी हो जाता है इन टाइम। तो अभी देख रहे हैं आप एक अलग एरिया बन रहा है, ये है जहाँ पर बर्थडे गर्ल ने बैठना है, तो उस ये काइंड ऑफ फोटो बूथ ही है, और इसकी एक अलग स्पेशल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसके साथ ट्री के साथ हमने इसको मर्ज किया है। अब आप देखिए ट्री में कितनी हैंगिंग कितनी अच्छी लग रही है, और कितना इसका ग्रेस आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।